गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट टाइम पे हम लोग आ, इसके पहले हम बात कर रहे थे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हाइयर प्लांट्स ठीक है इसके बाद फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहेगा जो एलेवन्थ वाला पोर्शन है वो कम्प्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर हम फोटोसेंथिसिस के बारे में बात करें फ़ोटो मतलब होता है लाइट सेन्थिस मतलब फूड का सेन्थेसिस होना आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स ऑटोट्राफिक होते हैं इनके अंदर अपना पिगमेंट्स होता है दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड ये अपना फूड खुद बना सकते हैं तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सोलर एनर्जी होता है प्लांट सोलर एनर्जी का यूज करता है यूटिलाइजेशन करता है और सोलर एनर्जी का कन्वर्जन वो करता है केमिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी जैसे ए टी पी है एन ए डी पी टू है इसमें कन्वर्ट करके इस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और फिर वही एनर्जी वो यूज करता है सी को रिड्यूस करने के लिए और जब सी का रिडक्शन होता है सी का फिक्सेशन होता है तो उससे कार्बोहाइड्रेट बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस तो आप देखिए लाइट ड्रिवन ड्राइविंग फोर्स क्या है यहाँ पे लाइट है लाइट ड्रिवन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फूड मटेरियल्स बाय ग्रीन प्लांट्स बाई यूजिंग सी ओ टू एंड एस टूओ इज कॉल्ड फोटोसेंथसिस सी ओ टू एटमोसफियर से लेगा एसटूवो सॉयल से ले लेगा ना और इसको यूज करके वो सी ओ टू को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बना लेगा जिसको हम बोलते हैं फोटोसेंथिसिस फोटोसेंथिसिस एनाबोलिक एंड एंडरगोनिक प्रोसेस है एनाबोलिक मतलब जहाँ पे किसी चीज़ का सिंथिस होता है फोटोसेंथिसिस में सिंथेसिस हो रहा है एंडरगोनिक का मतलब होता है जहाँ पे एनर्जी आके स्टोर हो जाए तो केमिकल एनर्जी सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जाके क्या हो गया स्टोर हो गया ये जो फूड मटेरियल्स नहीं होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज है इनमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होता है उन्हीं बॉन्ड्स में एनर्जी आके स्टोर हो जाता है ठीक है तो फोटोसेंथेसिस एनाबोलिक और एंडरगोनिक प्रोसेस होता है जबकि जो रेस्परेशन होता है रेस्परेशन एम्फीबोलिक और एक्जर्गोनिक प्रोसेस है एम्फीबोलिक मेनली एना मेनली कैटाबोलिक होता है रेस्परेशन हालांकि एनाबोलिज्म भी हो जाता है कभी कभी तो एम्फीबोलिक और एग्जर्गोनिक ये एंडर्गोनिक था फोटोसेंथिसिस रेस्परेशन एग्जर्गोनिक है क्यों क्योंकि आपने पढ़ा था कि फ़ोटोसेंथिस में जो फूड बना है उनके कार्बन कार्बन बॉन्ड में फूड एनर्जी स्टोर है और वही बॉन्ड टूटेगा कब फूड ब्रेक कब होगा रेस्परेशन के टाइम पे फूड का जब ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी निकलेगा एनर्जी रिलीज होना कहलाता है एग्जर्गोनिक तो यहाँ एनर्जी रिलीज हो रहा है रेस्परेशन में जबकि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर हो जाता है कार्बन कार्बन बॉन्ड में बाई फोटोसिंथेटिक प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स ट्रैप सोलर एनर्जी सनलाइट को ट्रैप करते हैं एंड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी सोलर एनर्जी का कन्वर्जन प्लांट केमिकल एनर्जी में करा लेता है अपने अंदर स्टोर कर लेता है उस एनर्जी को इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वांटम कन्वर्जन क्वांटम कन्वर्जन मतलब सोलर एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में प्लांट के थ्रू होना इसी को बोलते हैं क्वांटम कन्वर्जन तो फोटोसेंथिसिस का ये जो इक्वेशन है ये हम दिखा रखे हैं सिक्स सी ओ टू प्लस ट्वेल्व एस टू ओ इन द प्रजेंस ऑफ सोलर लाइट सोलर एनर्जी एंड पिगमेंट्स सी सिक्स एस ओ सिक्स कार्बोहाइड्रेट बना है प्लस सिक्स एस टू ओ प्लस सिक्स ओ टू ये निकलता है बाहर तो ये फोटोसेंथसिस का हमने इक्वेशन दिखा रखा है ओवरऑल अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो फोटोसिंथेसिस के समझने के लिए ज़रूरी है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स है तो हम बात करते हैं आप इसको नोट कर लीजिए फिर पहले लिख लीजिए नोट कर लीजिए तो ये जो सी टू होता है बेटा ये जो वाटर होता है फोटोसिंथेसिस में वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है ब्रेकडाउन होता है तो इसी से ही ना ये ऑक्सीजन निकलता है और जो सी है सी का रिडक्शन होता है तो आपको तो बताएं जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा ब्रेकडाउन होगा तो इससे ऑक्सीजन निकलेगा साथ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का यूज़ करके ए और पी एन बना लिया जाता है ये कब होता है लाइट रिएक्शन में होता है और जो ए और पी एन बना है उसका यूज किया जाएगा डार्क रिएक्शन में सी के रिडक्शन में और जब सी का रिडक्शन होगा तो इससे कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो कार्बोहाइड्रेट डार्क रिएक्शन बनेगा सी के रिडक्शन से और लाइट रिएक्शन में ना वाटर का ऑक्सीडेशन होगा जिससे ऑक्सीजन निकलेगा ना तो ये या आप याद रखना तो ओवरऑल अगर हम देखें फोटोसिथिसिस में लाइट रिएक्शन भी है डार्क रिएक्शन भी लाइट रिएक्शन ऑक्सीडेटिव फेज है वहाँ वाटर का स्प्लिटिंग होता है ऑक्सीडेशन होता है डार्क रिएक्शन जो होता है वहाँ पे सी का रिडक्शन होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है तो ओवरऑल अगर हम देखें जो फोटोसिंथेसिस होता है फोटोसिंथेसिस रेडॉक्स प्रोसेस है फोटोसिथेसिस इज रेडॉक्स प्रोसेस रेडॉक्स प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्सन दोनों होता है तो फोटोसिंथेसिस रेडॉक्स प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ रेडॉक्स नोट कर लीजिए फिर आगे एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करते हैं लिख लीजिए तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सम साइंटिस्ट यहाँ पे हम कुछ साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात किए हैं जो इन्होंने जो मतलब जिन्होंने फोटोसिंथेसिस में अपना योगदान दिया कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया कुछ ना कुछ, ना कुछ ना कुछ बताया उसके रिकॉर्डिंग तो आप देखें जैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करनी है शॉर्ट में बात करनी है तो आप देखें यहाँ पर जैसे एक नाम आता है जोसेफ़ प्रिस्टले प्रिस्टले साहब ने ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन्होंने ऑक्सीजन का डिस्कवरी किया इन्होंने एन सी देखिए डायग्राम बना हुआ है ही यूज मिंट प्लांट बेलजार कैंडल एंड माउस टू रिवील दैट रिवील द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपने देखा था इन्होंने जल से बेलजार लिया था दो एक्सपेरिमेंट किया सेम दो टाइप का एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने एक बेलजार लिया बेलजार में एक जलता हुआ मोमबत्ती रख दिया कैंडल रख दिया और उसी में एक माइस रख दिया और बेलजार से ऐसे सब कुछ ढक दिया तो जाहिर सी बात है जब तक एयर रहा होगा तब तक मोमबत्ती जली रही होगी और वो माइस ज़िंदा रहा होगा लेकिन जैसे ही एयर ख़त्म हो गया बेलजार के अंदर ढका हुआ था एयर जैसे ख़त्म जो कैंडल था वो जलना बंद कर दिया बुझ गया और जो माइस था वो मर गया क्योंकि एयर मिला नहीं ऑक्सीजन मिला नहीं और दूसरी बार क्या किया इन्होंने एक दूसरा मतलब एक कैंडल लिया और बेलजार से ढक दिया और उसी के अंदर एक जिंदा मायूस रख दिया और एक मिंट का प्लांट लगा दिया छोटा सा मिंट का प्लांट लगा दिया अब बेटा हुआ क्या इन्होंने देखा कि क्योंकि मिंट का प्लांट है और बेलजार से बाहर से अंदर लाइट चला जाएगा तो वो फोटोसेंथिसिस करना शुरू कर दिया और अंदर ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दिया जिससे ढकने के बाद भी माइस जिंदा रहा और जो कैंडल था वो बर्निंग करता रहा तो इससे पता चल गया कहीं ना कहीं एयर एयर बहुत जरूरी है ऑक्सीजन बहुत जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इवन बर्न कैंडल के बर्निंग के लिए भी तो वही है यहाँ पे ही टोल्ड रिवील द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरा है जैन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन एक्वेटिक प्लांट हाइड्रोला इन्होंने एक्वेटिक प्लांट हाइड्रोला के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था और बताया सन लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसेंथिसिस इन्होंने बताया कि फॉर फोटोसेंथसिस सन लाइट इज एसेंशियल कैसे एक्चुअल में हुआ क्या इन्होंने एक्वटिक प्लांट हाइड्रोला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और ये देखा कि दिन के टाइम उसका जो लीफ रहता है ना वो पानी में ऐसे तैरता रहता है तो इन्होंने देखा कि दिन के टाइम पे हाइड्रोला प्लांट के लीफ के आसपास से बबल्स निकल रहे हैं पानी में है वो लीफ ऐसे तो बबल्स निकल रहे थे लीफ के किनारे किनारे सराउंडिंग से वो बबल्स था क्या पता है वो बबल्स ऑक्सीजन था और रात में बबल्स निकल ही नहीं रहे थे तो वो समझ गए कि दिन में जब लाइट पड़ा प्लांट के ऊपर तो प्लांट फोटोसिंथेसिस किया और क्योंकि ऑक्सीजन निकलता है और पानी के थ्रू निकल रहा है क्योंकि प्लांट तो पानी में है तो बबल्स के फॉर्म में निकल रहा था तो उन्होंने बता दिया कि लाइट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस रात में बबल्स नहीं निकल रहा था क्योंकि लाइट रात में लाइट नहीं था तो बिना लाइट के प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा वही इन्होंने बता दिया और जूलियस वॉन सैच सैच साहब ने क्या किया इन्होंने बताया इन्होंने ही बताया कि ग्लूकोज बनता है जब फोटोसिंथेसिस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड एंड ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन्होंने बताया कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो ग्लूकोज बनाता है और जो ग्लूकोज होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट के अंदर और जो ग्रीन पिगमेंट होता है ग्रीन पिगमेंट का मतलब क्लोरोफिल वो स्पेशल बॉडी में रहता है स्पेशल बॉडी क्या है क्लोरोप्लास्ट है इन्होंने बताया कि जो ग्रीन पिगमेंट है वो स्पेशल बॉडी के अंदर रहता है प्लांट में स्पेशल बॉडी स्पेशल स्ट्रक्चर है क्या वो वो है क्लोरोप्लास्ट ये बताया इन्होंने इसके बाद नाम बताया इंजलमैन इंजलमैन ने बड़ा ही खूबसूरत बड़ा ही एलिगेंट बड़ा ही जानदार एक्सपेरिमेंट किया ही गिव द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई ध्यान देना ही गिव द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग क्लैडोफोरा क्लैडोफोरा एंड सस्पेंसन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया सस्पेंसन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो ग्रीन एल्गी एक ग्रीन एल्गी है क्लैडोफोरा उसके ऊपर और एरोबिक बैक्टीरिया के ऊपर बेस्ड था हिज एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट ब्लू एंड रेड लाइट इज बेस्ट फॉर फोटोसेंथिसिस आपको पता है बेटा कि फोटोसेंथिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है निकलता है ठीक है तो इन्होंने क्या किया एक कंटेनर ले लिया ठीक है एक कंटेनर ले लिया कंटेनर में एरोबिक बैक्टीरिया भरा हुआ था पूरे कंटेनर में फैला हुआ था और एक प्रिज्म ले लिया प्रिज्म प्रिज्म से क्या किया इन्होंने इन्होंने विजिबल लाइट विजिबल लाइट मतलब आप देखेंगे विजिबल लाइट का मतलब विव ग्योर विव ग्योर आपको पता है तो विजिबल लाइट पास किया और कंटेनर में एरोबिक बैक्टीरिया भरा हुआ था और उसी में क्लैडोफोरा रख दिया ग्रीन एल्गी और फ्रिज में रख के लाइट पास किया लाइट क्लैडोफोरा के ऊपर पड़ा तो क्लैडोफोरा क्या किया फोटोसेंथिस करना शुरू कर दिया तो सेवन कलर के लाइट थे तो इन्होंने ये देखा कि जो ब्लू और रेड लाइट है बिव ग्योर बी का मतलब बी बी का मतलब ब्लू और अंत में जो आर है आर का मतलब रेड है तो विव ग्योर में जो ब्लू और रेड रीजन है वहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ मैक्सिमम ऑक्सीजन का मतलब फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हुआ ब्लू और रेड लाइट में इसका मतलब ब्लू और रेड लाइट जो होता है बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट है फॉर प्लांट फॉर फोटोसेंथिसिस तो प्लांट के फोटोसेंथिसिस के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट होता है ब्लू और रेड लाइट तो ब्लू और रेड लाइट ज़्यादा एलगी ने एब्जॉर्व किया और उसमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा इवॉल्व हुआ मैक्सिमम फोटोसेंथिसिस हुआ तो जो एरोबिक बैक्टीरिया थे जिनको ऑक्सीजन चाहिए पहले पूरे कंटेनर में ना पूरी तरीके से फैले हुए थे लेकिन बाद में जब ब्लू और रेड लाइट में उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिला तो एरोबिक बैक्टीरिया का जो कंसंट्रेशन है वो ब्लू और रेड रीजन में बढ़ गया इनक्रीज हो गया इससे यही पता चला कि ब्लू और रेड लाइट मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है प्लांट या एल ब्लू और रेड लाइट को सब ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और जितना ज़्यादा एब्जॉर्बसन होगा उतना ही ज़्यादा एक्शन होगा एक्शन मतलब फोटोसिंथेसिस होगा तो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस गिवन बाय एलजन एंजलमान साहब ने दिया था तो बड़ा ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था ठीक है उसके बाद नाम आता है कार्नेलियस वैन नील साहब का इन्होंने बताया demonstrated दैट photosynthesis इज अ लाइट driven action या रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस CO2 टू टू कार्बोहाइड्रेट यूजिंग पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया इन्होंने पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिथेटिक बैक्टीरिया का यूज़ किया ये जो एंजल मान सॉरी कार्नेलियस व नील साहब थे इन्होंने पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का यूज किया और बताया कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट ड्रिवेन प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन किसी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से निकलता है जैसे अभी हमने आपको रिएक्शन दिखाया था वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड वाटर भी हो सकता है या फिर कोई वाटर भी हो सकता है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है या हाइड्रोजन सल्फाइड एस टू एस भी हो सकता है हाइड्रोजन जिससे निकलता है ना तो वही बताया इन विच हाइड्रोजन रिलीज फ्रॉम अ सुटेबल हाइड्रोजन फ्रॉम अ अटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड कुछ भी हो सकता है ऑर्गेनिक भी हो सकता है इनऑर्गेनिक भी हो सकता है वाटर भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है जो रिड्यूस करता है हाइड्रोजन रिड्यूस करेगा सी को जिससे कार्बोहाइड्रेट बनेगा किसके ऊपर प्रूव किया पर्पल एंड सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर ना ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर जो फोटोसेंद्रिक बैक्टीरिया है और इन द केस ऑफ ग्रीन प्लांट्स एलगी है ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा जिम्नोसफम एनजियोस्फम प्लांट के केस में हाइड्रोजन कहाँ से आता है वाटर से आता है हाइड्रोजन डोनर इज वाटर प्लांट के केस में हाइड्रोजन डोनर वाटर है इन द केस ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ध्यान देना इन द केस ऑफ फोटो बैक्टीरिया वाटर नहीं है क्या है फिर वो एनी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है फोटो फोटोसेंथेटिक बैक्टीरिया के केस में जो हाइड्रोजन डोनर है वो पानी नहीं होता वाटर नहीं होता कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो हम ऐसे बैक्टीरिया को बोलेंगे फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसको हम बोलेंगे फोटोलिथोट्रॉप्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे एस्ट्रूस हो गया ना वाटर नहीं होता यही वजह है बैक्टीरिया के केस में एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है ऑक्सीजनिक का मतलब ऑक्सीजन इवॉल्व होता ही नहीं है तो हम लिख देते हैं बेटा तो देखिए हम यहां देते हैं तो इन द केस ऑफ ग्रीन प्लांट्स ग्रीन प्लांट हो गया और साइनोबैक्टीरिया हो गया दोनों के केस में इन द केस ऑफ ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनो ब्लू ग्रीन एलगी या साइनो इसके भी केस में प्लांट की ही तरह वाटर यूज होता है जिससे इन दोनों में हाइयर प्लांट और साइनोबैक्टीरिया में कैसा फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है फोटोसिंथेसिस अकर्स ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है बेटा ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब जिसमें ऑक्सीजन जनरेट हो और इन द केस ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यहाँ फ़ोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया नहीं लेंगे हम साइनोबैक्टीरिया में तो ऑक्सीजनिक होता है इन द केस ऑफ फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब जिसमें फोटो लिथोट्रॉप्स फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स पर्पल सल्फर ग्रीन सल्फर ये सब जो आते हैं ना इन बैक्टीरिया के केस में वाटर यूज होता ही नहीं है और वाटर का ही तो ऑक्सीजन निकलता था तो इनमें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होगा ऑर्गेनिक में जैसे एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक में आप देखेंगे जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है ये सब यूज होता है तो इनमें आप देखेंगे बैक्टीरिया में होता है एनऑक्सीजनिक एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस एनऑक्सीजेनिक का मतलब ऐसा फोटोसिंथेसिस होगा जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होगा ही नहीं जनरेट होगा ही नहीं ऑक्सीजन वाटर का होता था वाटर यूज ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से निकलेगा ऑक्सीजन भाई तो वही चीज़ है ये तो आप इसको नोट कर लीजिए लिख लीजिए नोट कर लीजिए फिर आगे हम बात करते हैं आप लिख लीजिए अब एक नाम आपको हम और बताते हैं यहां पे। एक नाम है जैसे कुछ साइंटिस्ट के बारे में हम बात करें तो एक दो साइंटिस्ट और बताते हैं आपको जैसे कामिन रूबेन एंड कामिन दो लोग थे रूबेन एंड कामिन और भी इनके साथ में बहुत सारे लोग थे इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन वाटर का होता है सीओ टू का नहीं होता तो इन्होंने बताया टोल्ड दैट टोल्ड दैट ऑक्सीजन या एयर रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसेंथेसिस ड्यूरिंग फोटोसेंथेसिस डिराइव फ्रॉम डिराइव फ्रॉम डिराइव फ्रॉम वाटर नॉट द सीओ टू नॉट द सीओ टू तो जो फोटोसेंथिस में ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन एच टू एच टू ओ ये वाला ऑक्सीजन है सीओ टू का ऑक्सीजन नहीं है ये बताया एक नाम और बता देते हैं आपको रॉबर्ट इमर्सन बड़ा ही फेमस नाम है और इनके ऊपर नीट में क्वेश्चन आया भी है बेटा आता भी है आपने कभी सुना होगा रेड ड्रॉप एंड इमरस इन्हेंसमेंट इफेक्ट ये पढ़ा होगा तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन ग्रीन एल्गी क्लोरेला ग्रीन एल्गा है क्लोरेला उनके ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया ग्रीन एल्गी क्लोरेला है इन्होंने क्लोरेला के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था क्या एक्सपेरिमेंट था ये हम आपको बता देते हैं ध्यान देना इन्होंने दो चीज दिया है एक तो इन्होंने दिया ही प्रपोज ही प्रपोज दो चीज बताया एक तो रेड ड्रॉप इफेक्ट और दूसरा है इमरसेंस एनहेंसमेंट इफेक्ट इनहेंसमेंट इफेक्ट दो चीज बताया रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमरसेंस इनहेंसमेंट इफेक्ट ये बताया तो क्या है ये आपको हम बता दें? देखिए दो चीज है एक ही एक्सपेरिमेंट में दो इफेक्ट आपको पता चल गया रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमरसेंस एनहेंसमेंट इफेक्ट क्या है यह इन्होंने ग्रीन एलगी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया ग्रीन एलगी को क्या दिया विजुअल लाइट दिया विजुअल लाइट में विव गेर दिया तो इन्होंने जब विजुअल लाइट दिया तो ये देखा कि जब ध्यान देना इसके पहले दो चीज़ हम आपको और बता दें आप देखिए एक टर्म यूज होता है पार पार क्या है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन एक्टिव रेडिएशन पार का मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन और ये होता है 400 से 700, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का जो लाइट है जो लाइट या रेडिएशन है सनलाइट जो आ रहा है बेटा वो अगर 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के रेंज में है तो उसको बोलेंगे पार क्योंकि इतने ही रेंज का लाइट है जो प्लांट के लिए काम का है फोटोसिंथेसिस इतने ही लाइट के रेंज में होता है इसके अलावा कम ज़्यादा होगा तो बेकार है ठीक है इसको बोलते हैं पार और ये जो रेंज है बेटा ये विजुअल लाइट का रेंज है विजुअल रेडिएशंस है जो विजुअल लाइट होता है ना उसका रेंज 400 से 700 के बीच में आ जाता है वो पार में आ जाता है ना विजुअल में विब ग्योर हो गया वॉलेट है निगो है ब्लू है ग्रीन है येलो है ऑरेंज और रेड है ये पार में आ जाता है ठीक है तो दो है रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड रॉबर्ट इमरसेंस इनहेंसमेंट इफेक्ट तो इन्होंने ये देखा अच्छा जो रेड है ना रेड ये जो रेड है ये करीब 680 680 नैनोमीटर के रेंज में आ जाता है रेड मैक्सिमम इसका 680 नैनोमीटर है तो आपने ये भी पढ़ा है कि एनर्जी और वेबलेंथ में उल्टा रिलेशनशिप होता है एनर्जी और वेबलेंथ एनर्जी और वेबलेंथ जो होता है इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है तो रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या है आपको हम बताएं तो इन्होंने देखा कि इन्होंने क्या किया क्लोरेला एलगी को विजुअल लाइट दिया तो जब लाइट 680 नैनोमीटर से ज़्यादा हो गया ध्यान देना 400 से 700 होता है पर तो जब लाइट 680 सौ अस्सी ननोमीटर वेबलेंस से ज़्यादा हो गया एक कर गया तो क्वांटम ईल्ड क्वांटम ईल्ड मतलब फोटोसेंथिसिस होना मतलब ऑक्सीजन का इवॉल्व होना या रेट ऑफ फोटोसेंथिसिस बोलते हैं जब 680 सौ अस्सी ननोमीटर वेबलेंस से ज़्यादा लाइट दे दिया क्लोरेला को तो जो फोटोसेंथिसिस का रेट था ऑक्सीजन निकलने का जो प्रोसेस था वो बढ़ने के बजाय कम होने लगा डिक्रीज होने लगा और 680 किसका रेंज था रेड लाइट का रेंज होता है तो इसको बोलती है रेड ड्रॉप क्यों क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो ड्रॉप करने लगा रेड रीजन में ड्रॉप कर रहा है जब 680 से, से ज्यादा आप दे रहे हो इसलिए इसका नाम पड़ गया रेड ड्रॉप व्हेन द व्हेन द लाइट ऑफ मोर देन 680 नैनोमीटर वेवलेंथ गिवन टू द क्लोरेला देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप्स एंड बिकॉज दिस ड्रॉप अकर्स इन रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम सो कॉल्ड रेड ड्रॉप इफेक्ट इसलिए नाम पड़ गया रेड ड्रॉप इफेक्ट ठीक है अब एक है इमरस इनहेंसमेंट इफेक्ट तो इन्हीं का एक्सपेरिमेंट दोनों था एक ही एक्सपेरिमेंट में दो चीज पता चल गया तो इमरसेंस इनहेंसमेंट इफेक्ट क्या है इन्होंने ये देखा कि जब रेड और फार रेड लाइट फार रेड रेड मतलब 680 सौ अस्सी रेंज वाला फार रेड का मतलब सात सात सौ सेवन हंड्रेड वाला तो बेटा इन्होंने जब रेड और फार रेड लाइट दोनों एलगी को एक साथ दिया ध्यान देना पहले क्या किया पहले सिर्फ रेड लाइट दिया एक फ्लैश दिया फिर देना बंद कर दिया फोटोसेंथिस करेगा मान लो ऑक्सीजन कम निकला ठीक है फिर अगली बार मान लो दस ऑक्सीजन निकला फिर दूसरी बार फार रेड लाइट दिया फ्लैश दिया फिर देना बंद कर दिया फिर ऑक्सीजन निकला मान लो आठ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकला तो दस आठ अट्ठारह दोनों मिला दो कितना अट्ठारह होगा फिर इन्होंने क्या किया एक साथ एक साथ रेड और रेड लाइट दोनों एक साथ में दिया एक्सपोज कराया पहले अलग अलग किया भी एक साथ तो जब एक साथ इन्होंने किया तो इन्होंने देखा कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो अचानक से बढ़ गया रेड और रेड का जो दोनों का कंबाइंड टोटल कर दो तो उससे भी ज्यादा हो गया मतलब कंबाइंड टोटल दस आठ अट्ठारह हो रहा है जब रेड और फार रेड लाइट साथ में दिया तो ऑक्सीजन 20 मॉलिक्यूल से भी ज्यादा निकलने लगा मतलब हम वैल्यू तो एक ऐसे हम बता रहे हैं आपको तो ऑक्सीजन मतलब ज्यादा निकलने लगा दोनों के कंबाइंड टोटल से भी ज्यादा तो बढ़ गया ना एनहेंस हो गया एनहेंस मतलब बढ़ जाना तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया एनहेंसमेंट इफेक्ट वेन द रेड एंड फार रेड लाइट गिवेंट टूगेदर इन क्विक सक्सेसन देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या क्वांटम ईल्ड इंक्रीज कॉल्ड इनहेंसमेंट इफेक्ट इसको बोला गया एनहेंसमेंट इफेक्ट और इससे क्या पता चलता है जानते हो इससे यह पता चलता है बेटा कि कहीं ना कहीं दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है पढ़ा है ना पी एस वन पी एस टू दो फोटो सिस्टम है एक फोटो सिस्टम रेड लाइट को लेता होगा दूसरा फार रेड लाइट को लेता होगा और बताओ फायदा किस में है जब दोनों फोटो सिस्टम साथ में काम करे कि अलग अलग जब साथ में काम करे साथ में काम करेगा तो क्वांटम यील्ड क्या रहेगा ज्यादा रहेगा हाई रहेगा ना तो वही तो है तो ये नीट में आ चुका है बेटा नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है आप इसको नोट कर लिए होगे लिख लिए होगे ना आप इसको पहले पूरा नोट कर लीजिए तो इन्हेंसमेंट इफेक्ट क्या दिखाता है हम आपको बता रहे हैं तो ये जो इनहसमेंट इफेक्ट है इट प्रूव्स ये प्रूव करता है दैट पहला पॉइंट देयर इज देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फोटो सिस्टम्स दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हैं दो फोटो सिस्टम है बेटा पी एस वन एंड पी एस टू पी एस वन पी एस टू का डिस्कवरी इन्होंने ही तो किया था और एंड सेकेंड पॉइंट है दोनों फोटो सिस्टम एक साथ काम करते हैं बोथ फोटो ऑपरेट साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली एक साथ काम करते हैं साइमल्टेनियसली काम करते हैं ठीक है यह प्रूव हो गया इनहेंसमेंट इफेक्ट से इनहेंस मतलब बढ़ जाना जब रेड और फार रेड अलग अलग दिए थे तो क्वांटम मिल्ड कम था जब दोनों साथ में किए तो दोनों के कंबाइंड टोटल से बढ़ गया ज्यादा हो गया इनहेंस हो गया और रेड ड्रॉप में जब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ मतलब रेड रीजन से भी ज्यादा लाइट दिया तो क्वांटम वील्ड ड्रॉप हो रहा था फोटोसिंथिस कम होता गया ये प्रूव किया कि बहुत ज्यादा हाई वेब रेड ड्रॉप क्या प्रूव करता है कि बहुत ज्यादा हाई वेब का रेडिएशन प्लांट के लिए अच्छा नहीं है यूजफुल नहीं है फॉर फोटोसिंथेसिस हम कह रहे हैं वेवलेंथ ज़्यादा हुआ है एनर्जी तो कम होता जाएगा ना तो एनर्जी तो प्रॉपर चाहिए प्लांट को फोटोसेंथिस के लिए तो वही बताया कि बहुत ज़्यादा हाई वेवलेंथ का लाइट जो होता है फ़ोटोसेंसिस के लिए अच्छा नहीं होता यूजफुल नहीं होता है तो आप इसको नोट कर लीजिए लिख लीजिए फिर कुछ टर्म्स हैं कुछ टर्मिनोलॉजी है टर्म्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में जानना जरूरी है तो हम आपको बता देते हैं आप इसको नोट कर लें पहले यहाँ पे कुछ हम बेसिक टर्म्स बताए हैं बेटा तो फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए जो बेसिक टर्म्स हैं इन टर्म्स को जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़रूरी है जैसे आप देखिए एक टर्म यूज हुआ है फोटोन फोटोन क्या होता है जो लाइट पार्टिकल नहीं होता लाइट पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फोटोन लाइट पार्टिकल्स लाइट पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स ठीक है क्वांटा या क्वांटम एनर्जी ऑफ फोटोन्स कॉल्ड क्वांटा या क्वान्टम पढ़ाने लाइट मतलब जो एनर्जी के पैकेट्स से बंडल के फॉर्म में ट्रेवल करता है जिसको हम बोलते हैं फोटोन लाइट पार्टिकल होता है फोटोन का जो एनर्जी है वो क्वांटा है ना पैकेट्स तो क्वांटम कन्वर्जन क्वांटम कन्वर्जन वही हम बताए थे आपको ना कि प्लांट्स क्या करते हैं सोलर एनर्जी का कन्वर्जन सन लाइट का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी के फॉर्म में करते हैं ना तो वही तो है कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इन केमिकल एनर्जी जो रेडिएशन का एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना कहलाता है क्वांटम कन्वर्जन जो प्लांट करते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट आपको पता है कि प्लांट ओ लेता है सी निकालता है ये आपको पता है तो सनलाइट लेके फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन निकालेगा तो क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है कितना लाइट लेके कितना फोटोन लेके कितना ऑक्सीजन निकाला द नंबर ऑफ लाइट क्वांटा रिक्वायर्ड या फोटोन रिक्वायर्ड टू इवॉल्व वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ध्यान देना एक ऑक्सीजन इवॉल्व करने के लिए प्लांट को कितना फोटोन चाहिए वही होता है क्वांटम रिक्वायरमेंट ठीक है तो एट फोटोन इंपॉर्टेंट है आठ फोटोन चाहिए एट एच न्यू एच न्यू एच न्यू न्यू मतलब फोटो एच न्यू मतलब फोटो एट फोटोन प्लस चार हाइड्रोजन प्लस चार इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू इवॉल्व वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इवॉल्व करने के लिए आठ फोटोन प्लस चार इलेक्ट्रॉन प्लस चार प्रोटॉन इतना चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ से आ जाएगा ये हाइड्रोजन का जो डोनर होगा उससे आ जाएगा जैसे वाटर है उससे आ जाएगा प्लांट के केस में या बैक्टीरिया में एसटूएस से आ जाएगा ना तो वही है और क्वांटम ईल्ड क्या है रिक्वायरमेंट का उल्टा ये एच न्यू बाई ओ टू था इल्ड ओ टू बाई एच न्यू हो जाएगा मतलब कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ देखिए द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इवॉल्वड इवॉल्वड पर क्वांट लाइट यूज तो इसका उल्टा हो गया इसको बोलते हैं क्वांटम ईल्ड ये रेट ऑफ फोटोसिंथस दिखाता है अब हम बात करेंगे अगर कहीं भी लिख दें क्वांटम ईल्ड समझ जाना रेट ऑफ फोटोसेंथसिस ओ टू बाई एच न्यू तो बताइए कितना है एच न्यू कितना आठ तब एक ऑक्सीजन निकला वन बाई एट क्वांटम ईल्ड होता है वन बाई एट मतलब साढ़े बारह परसेंट मतलब आठ फोटोन यूज होगा तो एक ऑक्सीजन निकलेगा स्टार कांस्टिन लॉ स्टारंस्टिन लॉ क्या होता है बेटा आप इसी फोटोसिंथेसिस में अभी आगे पढ़ोगे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ोगे जेड स्कीम पढ़ोगे तो जब क्लोरोफिल जब क्लोरोफिल ध्यान देना बेटा ये क्लोरोफिल ए है ये क्लोरोफिल ए है क्लोरोफिल कई टाइप का होता है हम बात करेंगे ये क्लोरोफिल ए है तो स्टार कांस्टिन लॉ ये बोलता है कि जब क्लोरोफिल ए अभी ग्राउंड स्टेट में है ठीक है अभी ग्राउंड स्टेट में है लेकिन जब ये फोटोन को एब्जॉर्व करता है जब क्लोरोफिल के ऊपर लाइट पड़ता है फोटोन पड़ता है तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है और इससे क्या निकल गया इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलता है इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है जब इसके ऊपर क्या पड़ता है लाइट पड़ता है लाइट एनर्जी पड़ता है तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा तो ये ई स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा वही स्टार कंस्टिन लॉ बोलता है तो ये जो फोटोसिंथेसिस है बेटा फोटोसिंथेसिस में आप अभी हम बताने वाले हैं आपको दो रिएक्शन मिलेगा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे आप इसको पहले नोट कर लीजिए लिख लीजिए आप तो अब यहाँ पे बच्चों हम बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे दो पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दो पार्ट्स हैं एक तो है एक तो है मेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ पे जो होता है मेम्ब्रेन सिस्टम इसमें मेम्ब्रेन सिस्टम है और दूसरा है फ्लूड पार्ट फ्लूड पार्ट दो सिस्टम है यहाँ पे एक तो फ्लूड पार्ट है दूसरा मेम्ब्रेन सिस्टम है तो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब जो थैलाक्वाइड्स है थैलाक्वाइड्स या जो ग्रेना वाला पार्ट है ग्रेनम वाला पार्ट सेल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है और जो फ्लूड वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा फ्लूड वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा तो ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है अभी हमने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है रेडॉक्स प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है यहाँ पे। तो ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है बेटा ये साइट है साइट ऑफ लाइट रिएक्शन यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस का ऑक्सीडेटिव फेज है ऑक्सीडेटिव फेज होता है लाइट रिएक्शन को ही हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों क्योंकि यहाँ पे क्वांटम कन्वर्जन होता है सोलर एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है ना तो इसमें बेटा आप देखेंगे वाटर का स्प्लिटिंग होगा लाइट रिएक्शन में मेम्ब्रेन में ही ये जो ग्रैना होता है ग्रेना इज़ द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ठीक है तो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता है तो यहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग होगा और O2 O2 टू एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स ये रिलीज होंगे ठीक है और ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ये, ये यूज होगा

रिड्यूसिंग या फिर एसी मिलेट्री एसी मिलेट्री पावर इसको रिड्यूसिंग या एसी मिलेट्री पावर बोला जाता है ठीक है क्यों बोलते हैं भी आपको हम बता देंगे और ये जो फ्लूड पार्ट है जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं ये है साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ये डार्क रिएक्शन का साइट है ये रिडक्टिव फेज है ये रिडक्टिव फेज है हमने बोला था ना फोटोसेंथेसिस रेडॉक्स प्रोसेस है तो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस लाइट रिएक्शन था ये डार्क रिएक्शन है स्ट्रोमा में रिडक्टिव प्रोसेस होता है डार्क रिएक्शन होता है यहाँ पे सी ओ टू सी ओ टू का रिडक्शन होता है यही ए टी पी और एन ए डी पी एच टू यूज करके रिड्यूस्ड बाई यूजिंग ए टी पी एंड एन ए डी पी एच टू एन ए डी पी एच टू तो सी ओ टू का रिडक्शन होता है सी ओ टू रिड्यूस्ड बाई यूजिंग ए टी पी एंड एन ए डी पी एस टू ठीक है सो दैट सो दैट जिससे ग्लूकोज बनता है कार्बोहाइड्रेट बनता है कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है ठीक है कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड तो ये स्ट्रोमा में होता है फ्लूड पार्ट में होता है और ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ये हमने आपको बता दिया तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर तो आप देखेंगे ना जो डिवीजन ऑफ लेबर है जो क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरोप्लास्ट में डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स काम का बंटवारा होता है काम क्या है काम है फोटोसिंथेसिस तो मेम्ब्रेन सिस्टम में लाइट रिएक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस का और फ्लूड पार्ट में स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो गया तो काम का बंटवारा हो गया ना क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेन सिस्टम ने लाइट रिएक्शन का काम देख लिया और फ्लूड पार्ट ने डार्क रिएक्शन का काम देख लिया ठीक है अब एक टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट के बारे में तो आप देखिए एक हेडिंग है क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट जो क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट होता है ना वो लाइट के रेस्पॉन्स में होता है अकर्स विद विद रेस्पेक्ट टू द रेस्पॉन्स टू लाइट ठीक है तो अकर्स अकर्स इन रेस्पॉन्स टू द इंसिडेंट इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस इसके रेस्पॉन्स में होता है तो ये जो क्लोरोप्लास्ट का जो मूवमेंट होता है ये दो टाइप का है टू टाइप्स जो क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट है दो प्रकार का है तो आप ये बताइए क्लोरोप्लास्ट है कहाँ आपने पढ़ा है कि प्लांट में सेल्स होते हैं हायर प्लांट्स में सेल्स होते हैं सेल्स में होता है क्लोरोप्लास्ट तो मिजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक प्रोसेस है ना उसी प्रोसेस के थ्रू ऐसे घूमता रहता है मूव करता रहता है तो जो क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट है ये साइक्लोसिस की वजह से होता है साइक्लोसिस से होता है तो दो टाइप का मूवमेंट है एक तो है आप देखेंगे एकमुलेसन रेस्पॉन्स दूसरा है अवॉइडेंस रेस्पॉन्स तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये कहाँ मौजूद है लीफ में मिजोफिल्सल में है तो आप देखेंगे एकुमुलेशन रेस्पॉन्स का मतलब ये होता है जब सनलाइट बहुत डिम है मतलब बहुत बादल सा छाए है लाइट बहुत कम है डिम है तो जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट को लाइट चाहिए उसमें पिगमेंट है तभी तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा तो क्लोरोप्लास्ट मिजोफिल सेल के अंदर साइक्लोसिस से साइक्लोसिस वाले प्रोसेस से मूव करते हुए ना मिजोफिल सेल में ऐसे पोजीशन पे आ जाता है जो इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर हो परपेंडिकुलर हो और परपेंडिकुलर होगा तो ज़्यादा ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा वो तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं एकोमुलेशन रिस्पॉन्स क्यों होता है टू मैक्सिमाइज लाइट अवेलेबिलिटी तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ना यहाँ पे हम लिख देते हैं

साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक प्रोसेस आपने पढ़ा है थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ये साइटोस्केल्टन्स कराते हैं प्रोटीन्स क्लोरोप्लास्ट मूव थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग विद इन द विदिन द मिजोफिल सेल्स जो लीफ में सेल होता है उसी के अंदर घूमता रहता है मिजोफिल सेल्स टू अ पोजिशन एक ऐसे पोजिशन पर चला जाता है टू अ पोजिशन विच इज विच इज परपेंडिकुलर याद रखना परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट इंसिडेंट सोलर रेडिएशन सोलर रेडिएशन इंसिडेंट सोलर रेडिएशन टू मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज लाइट अवेलेबिलिटी मैक्सिमाइज लाइट अवेलेबिलिटी ताकि ज्यादा ज्यादा लाइट मिल सके ना अवेलेबिलिटी इसे ही बोलते हैं एकुमुलेशन रिस्पॉन्स तो ऐसे पोजिशन पर चला गया कि ज्यादा ज्यादा लाइट मिले परपेंडिकुलर चला गया मैक्सिमाइज करने के लिए और यहां पे देखेंगे ना ये कब होगा अकर्स वेन द सनलाइट सनलाइट इज ब्राइट जब सनलाइट बहुत ज्यादा ब्राइट होता है इंटेंस होता है तो एक बार बताए जब सनलाइट बहुत ज्यादा बहुत तेज होता है लाइट ना तो क्लोरोप्लास्ट को बहुत खतरा होता है क्लोरोप्लास्ट का फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है क्लोरोप्लास्ट डैमेज हो सकता है बहुत ज्यादा लाइट उसके ऊपर पड़ेगा तो क्लोरोप्लास्ट बचना चाहेगा जब बहुत ज्यादा इंटेंस लाइट होगा तो वो साइक्लोसिस से मिजोफिल सेल में घूमते हुए ना साइड में एकदम चला जाता है जो इंटेंस लाइट के पैरेलल हो जिससे लाइट को मिनिमाइज किया जा सके तो इसको बोलते हैं अवॉइडेंस रिस्पॉन्स अवॉइड करा है ब्राइट लाइट को ना तो यहां पर हम लिख देते हैं अगर वेन द सन इज ब्राइट तो ऐसे केस में आप देखोगे क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट मूव मूव टू अ पोजिशन टू ए पोजिशन एक ऐसे पोजिशन पर चला जाएगा पोजिशन विच इज विच इज पैरल पैरल टू इंसीडेंट इंसीडेंट रेडिएशंस रेडिएशंस इंसिडेंट रेडिएशन के पैरल है to protect for protection for protection against against high intensity radiation high intensity radiations high intensity radiations इसको हम लिखते हैं एच आई आर हाई इंटेंसिटी रेडिएशन तो बहुत ज्यादा ब्राइट सनलाइट होगा तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है बेटा डैमेज हो जाता है तो फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचने के लिए वो पैरलल पोजीशन पे चल, चला जाता है ना तो आप लिख लेना ये नोट कर लो पूरा लिख लो तो यहाँ पे एक चीज हम आपको बता दें जो क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट गेट फोटो ऑक्सीडाइज फोटोऑक्सीडाइज्ड मतलब वो डैमेज हो जाता है डैमेज डैमेज हो जाता है अगेंस्ट एच आई आर डैमेज हो जाता है इन एच आई आर एच आई आर का मतलब है हाई इंटेंसिटी रेडिएशन जब सनलाइट बहुत ज्यादा इंटेंस होता है तो ये डैमेज हो सकता है या हो जाता है तो इससे बचने के लिए क्लोरोप्लास्ट में अवॉइडेंस रेस्पॉन्स होता है और एकमोलेशन रेस्पॉन्स जब होगा जब लाइट बहुत डिम रहेगा तो लाइट लेना चाहेगा कम लाइट रहेगा तो फोटोसिंथेसिस बहुत कम हो जाता है ना इसलिए होता है एक्मुलेशन रेस्पॉन्स आप इसको ना नोट कर लीजिए फिर आगे हम बात करते हैं लिख लीजिए तो एक टेक्निक होता है बेटा जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी क्या है क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है एक तकनीक है जिसके थ्रू द टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ फोटोसिथेटिक पिगमेंट्स फ्रॉम द लीव आपको पता है कि प्लांट के जो लीव्स होते हैं लीव्स लीव्स में पिगमेंट होता है बहुत सारे पिगमेंट होते हैं तो अगर अगर हम आपसे बोल दें कि लीव्स से आपको क्लोरोफिल आइसोलेट करना है तो आप क्या टेक्निक यूज़ करोगे क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी कई टाइप का है पेपर क्रोमेटोग्राफी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बहुत सारे हैं तो क्रोमा क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है ध्यान देना लोग केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ते हैं तो क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है इस टेक्निक के थ्रू हम लीव से जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं आइसोलेट कर सकते हैं अब हम बात करते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में क्योंकि पिगमेंट्स ही होता है जो सनलाइट को क्या करता है कैप्चर करता है पिगमेंट्स कैप्चर सोलर रेडिएशंस ठीक है तो ये जो पिगमेंट होते हैं एब्जॉर्ब लाइट्स एट डिफरेंट डिफरेंट या स्पेसिफ़िक वेब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं अलग अलग पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ लेंथ के लाइट को ऐब्जॉर्व करते हैं तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं एब्जॉर्ब्स लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ लेंथ स्पेसिफिक वेवलेंथ या अलग अलग वेवलेंथ लेंथ के लाइट को ऐब्जॉर्व करते हैं तो पिगमेंट्स में जैसे क्लोरोफिल ए है इसका कलर क्या होता है ब्राइट या ब्लू ग्रीन होता है ठीक है ब्राइट या ब्लू ग्रीन कलर का होता है और क्लोरोफिल बी जो होता है येलो ग्रीन कलर का होता है ये कैरोटीनॉइड्स जो होता है कैरोटीनॉइड्स इनको बोलते हैं सील्ड पिगमेंट सील्ड पिगमेंट बोलते हैं सील्ड मतलब ढाल की तरह होता है ये ये क्लोरोफिल एक का प्रोटेक्शन करता है अभी हम बात करेंगे ये दो टाइप का है कैरोटिनॉइड्स एक कलेक्टिव टर्म है कैरोटीन और जेंथोफिल के लिए ठीक है कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स तो दो टाइप का है कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स जो कैरोटीन्स होता है इनका फार्मूला है सी फोर्टी एच फिफ्टी सिक्स ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हाइड्रोकार्बन हैं येलो टू येलो ऑरेंज कलर का होता है ठीक है और जो जेंथोफिल होता है ये ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटीन है एक तरीके से क्यों सी फोर्टी एच फिफ्टी सिक्स सेम फार्मूला प्लस ओ टू लगा हुआ है बस यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो दोनों का स्ट्रक्चर भी लगभग एक जैसा होता है ऑक्सीजन यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है तो ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटीन है मान लो आप और ये येलो कलर्ड होता है येलो कलर्ड तो जेंथोफिल भी कई टाइप का है ध्यान देना जेंथोफिल भी मैनी टाइप्स होता है एलगी में पढ़ा होगा फ्यूकोजेंथिन डाइटोजेंथन ये सब डाइटम्स वगैरह में पढ़ा होगा कैरोटीन भी कई टाइप का है मैनी टाइप्स मैनी टाइप्स अल्फा कैरोटीन बीटा कैरोटीन ये सब पढ़ा है कैरेट जो होता है डॉकस कैरोटा गाजर गाजर का जो गाजरी कलर होता है वो इसी आ, अल्फा बीटा कैरोटीन की ही वजह से होता है तो कैरोटीन में भी अल्फा कैरोटीन बीटा कैरोटीन जेंथोफिल भी कई टाइप का है तो ये सब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं बेटा अब थोड़ा सा यहाँ पे हम देखिए क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं जो क्लोरोफिल होता है ये टैडपोल के आकार में होता है टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर विथ पोरफाइरिन हेड एंड फाइटोल टेल फाइटोल टेल होता है और एक हेड होता है टेडपोल की तरह होगा स्ट्रक्चर क्लोरोफिल नौ प्रकार का है टोटल क्लासिफाइड बाय आर्नन एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर्नन आर्नन ने बताया उसने क्लो, क्लोरोफिल को क्लासिफाई किया बताया क्लोरोफिल कुल मिला के नाइन टाइप्स का है नौ प्रकार का क्लोरोफिल है आर्नन ने नौ ग्रुप में क्लासीफाई किया क्लोरोफिल ए बी सी डी ऐसे नौ बताया तो क्लोरोफिल ए जो होता है मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट है क्यों क्योंकि फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट ये हर एक प्लांट में मिलेगा अगर फोटोसिंथेटिक है तो उसमें क्लोरोफिल ए ज़रूर होगा तो क्लोरोफिल ए जो होता है मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट है फार्मूला क्या है सी फिफ्टी फाइव एच सेवेंटी टू ओ फाइव एन फोर एम जी ब्लू ग्रीन कलर का होता है ये और क्लोरोफिल बी जो होता है ये येलो ग्रीन कलर का होता है इसका फार्मूला सी फिफ्टी फाइव एच सेवेंटी ओ सिक्स एन फोर एम जी एक्चुअल में देखिए यहाँ एच सेवेंटी टू है यहाँ पे एस सेवेंटी है यहाँ ओ फाइव है यहाँ पे ओ सिक्स है बाकी सब कुछ वही है एक्चुअल में है क्या ना यहाँ पे दो हाइड्रोजन ज़्यादा है यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा है ये इसलिए होता है अभी हम बता देंगे क्या डिफरेंस है क्लोरोफिल ए में ना हमने बताया नहीं कि पोरफायरिन हेड है वो एक्चुअल में जो हेड होता है वो टेट्रा पायरॉल रिंग के फॉर्म में होता है चार रिंग होता है टेट्रापायर रिंग के फॉर्म में होता है तो उसमें आप देखेंगे जो क्लोरोफिल ए है एट द एट द थर्ड कार्बन ऑफ सेकंड पायरोल रिंग चार पायरोल रिंग है उसमें जो सेकंड कार्बन एट द थर्ड कार्बन थर्ड कार्बन जो होता है उस पर आप देखेंगे इन क्लोरोफिल ए एट द थर्ड कार्बन ऑफ सेकेंड पायरोल रिंग एल ग्रुप प्रजेंट ध्यान देना एलडीहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है सी ग्रुप प्रेजेंट होता है ठीक है एल ग्रुप प्रेजेंट होता है और इन क्लोरोफिल बी एट द सेम पोजिशन एट द सेम पोजिशन कीटोन ग्रुप प्रजेंट रहता है यहाँ एल्डीहाइड ग्रुप था ठीक है यहाँ पे एल ग्रुप था सॉरी सॉरी यहाँ पे एक्चुअल में ना यहाँ पे आप देखेंगे दो H2 टू ज़्यादा है और यहाँ पे एक ओ सिक्स मतलब दो हाइड्रोजन कम है लेकिन एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मिथाइल ग्रुप मिल जाएगा गलती से हमने एल्डिहाइड बोल दिया मिथाइल ग्रुप मिल जाएगा आपको यहाँ पे और यहाँ पे जो रहता है यहाँ पे कीटोन ग्रुप रहता है ये कीटो ग्रुप रहता है कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो यही वजह है देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बढ़ गया और सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप रहता है तो देखिए यहाँ पे सी एच थ्री है यहाँ पे सी एच ओ है तो यहाँ दो हाइड्रोजन बढ़ गया यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो फिर से सुन लो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या डिफरेंस है फॉर्मूले में डिफरेंस कैसे आया इन क्लोरोफिल ए एट द थर्ड कार्बन ऑफ सेकंड पैरोल रिंग मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट सी एस थ्री ग्रुप प्रेजेंट वेयर एज इन क्लोरोफिल बी एट द सेम पोजिशन एल डीहाइड ग्रुप प्रेजेंट यही वजह है कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन ज्यादा दिख रहा है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज्यादा दिख रहा है ना इसलिए फार्मूले में डिफरेंस आ जाता है आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे और भी बताते हैं क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा सा और भी बात करेंगे आप इसको लिख लीजिए नोट कर लीजिए तो आपको यहाँ पे हम बताएं बेटा कि जो क्लोरोफिल ए होता है क्लोरोफिल ए इज़ द मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट ये मेन पिगमेंट होता है बेटा मेन पिगमेंट होता है इसको हम रिएक्शन सेंटर भी बोलते हैं रिएक्शन सेंटर इज द मेन पिगमेंट मेन पिगमेंट का मतलब ये इकलौता पिगमेंट है जो क्वांटम कन्वर्जन कराता है सोलर एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में कराता है इज द मेन पिगमेंट यह मेन पिगमेंट है एंड इज द ओनली पिगमेंट ओनली पिगमेंट ये इकलौता पिगमेंट है ओनली पिगमेंट इन्वॉल्व इन इन्वॉल्व इन क्वांटम कन्वर्जन क्वांटम कन्वर्जन क्वांटम कन्वर्जन क्या था सोलर एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होना ठीक है इट इज द ओनली पिगमेंट इन्वॉल्व इन क्वांटम कन्वर्जन एंड रेस्ट अदर्स आर रेस्ट अदर्स आर एसेसरी पिगमेंट्स ध्यान देना एंड रेस्ट अदर पिगमेंट्स अदर पिगमेंट्स आर एसेसरी एसेसरी पिगमेंट्स रिस्ट अदर्स आर एसेसरी पिगमेंट्स एंड आर इन्वॉल्व एंड आर इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन ऑफ क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर है इसको प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑक्सीडेटिव डैमेज अगेंस्ट हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस तो एक्चुअल में होता क्या है जो सबसे मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है क्योंकि इकलौता यही पिगमेंट है जो क्वांटम कन्वर्जन में इन्वॉल्व है सोलर एनर्जी का कन्वर्जन ये केमिकल एनर्जी में कराता है इसके अलावा कोई और पिगमेंट ये काम करता ही नहीं है तो सभी पिगमेंट का तो क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है रिएक्शन सेंटर बोलते हैं इसके अलावा जितने भी पिगमेंट होंगे बेटा आप देखोगे ना इसके अलावा जितने भी पिगमेंट होंगे सबका काम क्या है कि जो क्लोरोफिल ए है उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और उसको बहुत ज्यादा ब्राइट सनलाइट से बचाएंगे मतलब जो उन सभी पिगमेंट को हम बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल ए को छोड़ दो बाकी सभी जैसे क्लोरोफिल बी सी डी ई जितने भी हैं ये सब जितने भी पिगमेंट हैं सब एसेसरी पिगमेंट हैं तो इनका काम है ये सनलाइट को पहले खुद ही ले, ले लेंगे जो एसेसरी पिगमेंट है सनलाइट को खुद ही पहले ले लेंगे ताकि जो डैमेज होना है हम ही हो जाए रिएक्शन सेंटर बचा रहे क्योंकि डायरेक्टली अगर रिएक्शन सेंटर के ऊपर लाइट पड़ेगा तो उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है वो डैमेज हो सकता है और अगर वो डैमेज हो गया तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा मेन तो सेंटर वही है जो सोलर एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में करा रहा है बाकी सब एसेसरी पिगमेंट है ना रेस्ट आर एसेसरी पिगमेंट्स जो हेल्प करेंगे उसको उसको प्रोटेक्शन का काम करेंगे ठीक है अगेंस्ट फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज अगेंस्ट हाई इंटेंसिटी रेडिएशन अब आप ये देखिए जरा जो क्लोरोफिल ए है एंड कैरोटीन इन दोनों को हम बोलते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट यूनिवर्सल पिगमेंट क्यों क्योंकि ये हर एक प्लांट में मिलते हैं अब क्लोरोफिल बी जैसे बी बी हर सब में नहीं मिलता है जैसे क्लोरोफिल बी एलगी में देखिए ग्रीन एलगी में क्लोरोफिल ए और बी दोनों है लेकिन ब्राउन एलगी रेड एलगी में बी नहीं मिलेगा ए तो सब में मिलेगा लेकिन बी सब में नहीं मिलेगा तो यूनिवर्सल हो गया कैरोटिन भी सब में मिलेगा यूनिवर्सल पिगमेंट मतलब ये फाउंड इन फाउंड इन ऑल प्लांट्स ये सभी प्लांट में मिलेगा तो ये यूनिवर्सल पिगमेंट है तो ठीक है तो आप ये सब याद रखिए बेटा नोट रखिए नोट करिएगा आप लोग जो कैरोनोइट्स होता है कैरोटिनोड्स कैरोटिनोड्स को हम बोलते हैं सील्ड पिगमेंट सील्ड सील्ड पिगमेंट बोलते हैं ना सीड़ का मतलब ढाल ये प्रोटेक्ट करेगा प्रोटेक्शन का काम करता है ना क्लोरोफिल ए को बचाता है डैमेज से इसलिए इसको बोलता मतलब है सील्ड पिगमेंट तो ये जो क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल सिंथेसिस अगर हम क्लोरोफिल के सिंथेसिस की बात करें क्लोरोफिल कैसे बनता है तो आप उसमें देखेंगे बेटा इसमें क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए ज़रूरी क्या क्या होता है हम आपको बता दें आपने जैसे सक्सिनाइल कुंजाई में पढ़ा होगा याद है क्या पहले हम क्लोरोफिल का डायग्राम दिखा देते हैं तो इसमें जो डायग्राम पहले हम दिखा देते हैं फिर सिंथेसिस के बारे में भी हम बात कर लेंगे क्लोरोफिल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में आप देखे गए एक ऐसे हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर होता है और इसमें ऐसे टेल निकला रहता है टेल तो बीच में सेंट्रल मेटल आयन होता है मैग्नीशियम आयन ठीक है मैग्नीशियम होता है तो ये पोरफायरिन होता है पोरफाइरिन बोलते हैं पोरफायरिन हेड ये फाइटॉल टेल है फाइटॉल टेल ये फाइटॉल टेल होता है और ये जो क्लोरोफिल है ये किससे जुड़ा रहता है पता है ये थाइलाक्वाइड है ये सिक्के की तरह थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन, थाइलाक्वाइड के मेम्ब्रेन से क्लोरोफिल अटैच रहता है तो इसका काम है अटैचमेंट फाइटॉल टेल का काम है अटैचमेंट करना ये अटैच करता है अटैच क्लोरोफिल टू थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन ये क्लोरोफिल को थालाक्वाड के मेम्ब्रेन से जोड़ता है अटैच करता है ये हाइड्रोकार्बन का टेल है सी ट्वेंटी एच फोर्टी बीस कार्बन चालीस हाइड्रोजन होता है ये हाइड्रोकार्बन का बना हुआ टेल होता है जो फाइटॉल टेल है और ये हाइड्रोफोबिक होता है हाइड्रोफोबिक होता है ठीक है अटैचमेंट का काम है हाइड्रोकार्बन का टेल है अपसेंट है ये अपसेंट इन क्लोरोफिल सी क्लोरोफिल सी में एबसेंट होता है और ये जो हेड होता है बेटा हमने बताया ना टेट्रापैरो रिंग के फॉर्म में होता है तो ये आयरन कंटेनिंग होता है आयरन कंटेनिंग होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है हाइड्रोफिलिक हेड होता है हाइड्रोफिलिक होता है और ये ऑल्सो फाउंड ऑल्सो फाउंड इन हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम में भी आपको ये मिलेगा ठीक है हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम में भी आपको यही हेड मिलेगा तो ये ऐसे चार रिंग होगा चार रिंग होगा तो उसको हम बोलते हैं टेट्रापायरोल रिंग और ये जो मैग्नीशियम है मैग्नीशियम यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं इसको मेटल आयन ये सेंट्रल मेटल आयन होता है तो आप इसको लिख लीजिए नोट कर लीजिए आप इसको फिर आगे हम बात करते हैं ना आप पहले इतना लिख लीजिए आप इसको तो आप इसको नोट कर लिए होंगे तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्लोरोफिल सिंथेसिस के बारे में ठीक है कैसे क्लोरोफिल बनता है सिंथेसिस होता है आप इसको नोट कर लिए होंगे तो जो क्लोरोफिल होता है बेटा जो क्लोरोफिल होता है हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्लोरोफिल सिंथेसिस के बारे में जो क्लोरोफिल है इसके लिए सक्सिनाइल कोंजाइम ए चाहिए प्लस ग्लाइसिन अमीनो एसिड चाहिए ये कहाँ से आएगा सक्सिनाइल कोंजाइम में ये रॉ मटेरियल है ये आता है फ्रॉम टी सी ए साइकिल फ्रॉम टी सी ए साइकिल ये क्रिफ साइकिल से आता है ठीक है तो दोनों के मिलने से बनता है प्रोटोक्लोरोफिल ये बनता है इसको हम क्लोरो फिलिडी भी बोलते हैं क्लोरोफिलिडी भी बोलते हैं या प्रोटोक्लोरोफिल बोलते हैं और फिर इसके ऊपर लाइट पड़ता है जब सन लाइट लाइट पड़ता है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और मैग्नीशियम आयन है ठीक है तो इसके प्रजंस में ये बन जाता है क्लोरोफिल क्लोरोफिल तो ये जो क्लोरोफिल होता है ये थाइलेक्ड के मेम्ब्रेन से अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ फाइटॉल टेल फाइटॉल के हेल्प से ना ये थैलाकॉड के मेम्ब्रेन से अटैच रहता है तो आप इसको नोट कर लीजिए अब हम आपको कुछ ग्राफ है एक दो वो हम आपको दिखा देते हैं ना आप इसको लिख लें तो यहाँ पे देखिए बेटा दो हमने ग्राफ दिखा रखा है दोनों ग्राफ का क्या मतलब है आपको हम बता दें पहले ध्यान से समझिएगा एक साइड में यहाँ पे हमने ये ग्राफ ये ए है पहला वाला फिगर है ये सेकंड वाला फिगर है ठीक है दो है ये पहला है ये दूसरा है तो पहले हम देखिए ये एब्जॉर्पसन स्पेक्ट्रम दिखा रहा है एब्जॉर्पसन स्पेक्ट्रम एब्जॉपन मतलब जो अलग अलग वेबलेंथ के जो रेडिएशंस हैं उनको अलग अलग पिगमेंट क्या करेंगे एब्जॉर्व करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स अलग अलग वेबलेंथ के लाइट को एब्जॉर्व करते हैं तो ये अलग अलग पिगमेंट्स का एब्जॉर्बसन स्पेक्ट्रम दिखा रहा है कि वो कितने रेंज के लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ लिखा है एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट लाइट का एब्जॉर्बसन दिखा रखा है और यहाँ पे पार लिखा है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन नैनोमीटर है वेबलेंथ में ये 400, 500, 600, 700, 700 सात होता है चार से सात होता है पार तो आप ये देखिए आपको याद है पार विव ग्योर विव ब्लू ब्लू लगभग 400 से 500 के रेंज में रहेगा बीच में रहेगा और रेड करीब 680 के आसपास रहता है रेड तो ये देखिए ब्लू रीजन में और आपको ये भी पता है एंजल मान के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया था कि ब्लू और रेड लाइट बोथर बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट फॉर फोटो सेंथेसिस आपने पढ़ा है ठीक है तो ब्लू रीजन में जो ब्लू लाइट है ब्लू लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है क्लोरोफिल बी मतलब ब्लू लाइट का मैक्सिमम एब्जॉप्शन क्लोरोफिल बी करता है फिर ए करता है सबसे कम कैरोनोइड करता है फिर से सुनना ब्लू रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में ब्लू रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल बी करेगा फिर ए करेगा कैरोटिनोइड करेगा फिर और रेड रीजन में मतलब रेड लाइट को एब्जॉर्ब मैक्सिमम क्लोरोफिल ए करेगा फिर बी करेगा कैरोटिनोइड नहीं करता बहुत ही मिनिमम करता है तो ये ये दिखा रहा है एब्जॉर्ब्सन स्पेक्ट्रम दिखा रहा है फोटोसिंथेसिस का तो क्लोरोफिल बी ब्लू लाइट को मैक्सिमम ऑब्जॉर्व करेगा फिर ए करेगा फिर कैरोटिनोइड और रेड रीजन में रेड लाइट को मैक्सिमम ए ऑब्जॉर्व करेगा फिर बी करेगा ये हमने दिखा रखा है और दूसरा आप देखिए ग्राफ जो दूसरा ग्राफ है ये पहला एब्जॉर्बसन स्पेक्ट्रम दिखा रहा है दूसरा एक्शन स्पेक्ट्रम दिखा रहा है एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब जाहिर सी बात है जब प्लांट लाइट को एब्जॉर्व करेगा जब प्लांट को लाइट जब प्लांट लाइट को एब्जॉर्व करेगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई रेस्पॉन्स तो आएगा एक्शन तो आएगा एक्शन क्या है फोटोसिंथेसिस तो ऑक्सीजन निकलेगा जाहिर सी बात है तो इधर हमने लिख दिया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्रेकेट में ओटू बाई न्यू इसी को हम बोलते हैं क्वांटम ईल्ड और आपको पता है क्वांटम ईल्ड क्या दिखाता है क्वांटम ईल्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को दिखाता है ठीक है तो एक साइड में लिखा हमने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्रेकेट में लिखा है क्वांटम ओ टू बाई एचन यू मतलब क्वांटम ईल्ड और एक साइड में यहाँ पे हमने लिखा है पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन दिखा रखा है हमने नैनोमीटर लिखा है वेवलेंथ में तो आप ये देखिए बेटा जरा ब्लू रीजन ब्लू रीजन ये क्या ये क्या है यह क्या दिखा रहा है यह ऑक्सीजन दिखा रहा है बेटा ऑक्सीजन को इवॉल्व होते हुए दिखा रहा है तो देखिए इधर लाइट हमने दिखा दिया इधर ऑक्सीजन दिखा दिया तो ओ टू बाई एचन यू ये ओटू है और ये न्यू है फोटोन है तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस आप देखिए यह ब्लू रीजन में और रेड रीजन में हो रहा है ग्रीन लाइट वगैरह में फोटोसिंथिस बहुत ही कम होता है देखिए आप बहुत कम विव ग्योर ब्लू है ये और लास्ट में रेड है तो इस पर फोटो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये दिखा रहा है एक्शन स्पेक्ट्रम तो एक्शन स्पेक्ट्रम यही बता रहा है कि ब्लू और रेड रीजन में जो फोटो होता है वो मैक्सिमम होता है ज़्यादा से ज़्यादा होता है मतलब ब्लू एंड रेड लाइट आर आप देखेंगे ब्लू एंड रेड लाइट आर मोस्ट एफिसियंट या बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस और ये भी बता दें ब्लू एंड रेड लाइट बोथ आर इक्वली इफेक्टिव फॉर इफेक्टिव हालांकि रेड लाइट का थोड़ा सा एंड आर बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट ये एंजल मान के एक्सपेरिमेंट से ही पता चल गया था तो ये आपको दिख रहा है एनसीआर में एक तीसरा डायग्राम भी है अच्छा एक चीज ये भी बता दें आपको जितना ज्यादा लाइट एबजॉर्ब हो रहा है उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो एनसीआरटी में एक लाइन लिखा है एनसीआरटी में एक लाइन लिखा है कि बोथ एक्शन स्पेक्ट्रम बोथ एब्जॉर्न स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम आर पैरल एंड हैव वन टू वन ओवरलैप ध्यान देना एक लाइट एक लाइन अभी हम लिख देंगे कि बोथ स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम आर पैरल एंड हैव वन टू वन ओवरलैप इसका क्या मतलब है पैरेलल एंड वन टू वन ओवरलैप का मतलब जितना ज्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज्यादा एक्शन होगा एक्शन मतलब फोटोसिंथेसिस होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा पैरेलल है एक दूसरे के एंड वन टू वन ओवरलैप मतलब जितना ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा उतना ही ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा तो बोथ हैव वन टू वन ओवरलैप एंड आर पैरेलल ये लिखा हुआ है अब एक तीसरा ग्राफ भी बना है एक एनसीईआरटी में तीसरा ग्राफ भी बना ये पहला था ये दूसरा था हम तीसरा आपको इसी में दिखा दे रहे हैं ठीक है हम तीसरा डायग्राम इसी में दिखा दे रहे हैं तो जो तीसरा डायग्राम है बेटा आप इसको पहले बना लीजिए फिर हम तीसरा दिखा देंगे बन गया होगा तो एनसीआरटी का जो तीसरा डायग्राम है उसमें एक साइड में लिखा है लाइट एब्जॉर्ब ठीक है बाकी यहां पे हमने लिख दिया है पार तो ये डायग्राम ये बना हुआ है ये ग्राफ बना हुआ है और साथ में जो क्लोरोफिल ए वाला है इसका एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रम दिखा दिया है तो आप देखिए ये दिखा दिया है तो यहां पे हम लेबलिंग कर देते हैं लिख देते हैं यह जो फिगर है फिगर क्या दिखा रहा है यह एक्शन स्पेक्ट्रम दिखा रहा है फोटोसिंथेसिस का और यह एबजॉपन स्पेक्ट्रम दिखा रहा है क्लोरोफिल ए का तो फिगर में क्या दिखा रहा है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एब्जॉर्पन स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए तो ये देखिए <coughs> ये एक्शन स्पेक्ट्रम हो गया फोटोसिंथेसिस का और ये एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम है स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए ये डायग्राम जो अभी था दूसरे ग्राफ में दिखाया था और ये देखिए क्लोरोफिल ए का ये हमने ले लिया है क्लोरोफिल ए का ले लिया है ये हमने तो एक्चुअल में ये बताइए लाइट का एब्जॉर्प्शन तो हर कोई कर रहा है क्लोरोफिल ए भी कर रहा है बी भी कर रहा है कैरोटिनोड भी कर रहा है तो ये फोकस क्लोरोफिल ए पे क्यों किया है ये तीसरा ग्राफ ये दिखाना चाहता है कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो रियल में क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है जब क्लोरोफिल ए लाइट एब्जॉर्ब करेगा तभी एक्शन होगा क्योंकि ये मेन पिगमेंट है, है. है. यूनिवर्सल पिगमेंट तो है ना तो थर्ड ग्राफ में ये फोकस कर रहा है कि द एक्शन एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल एब्जॉर्न इज स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ब्लू लाइट है रेड लाइट है तभी एक्शन होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा तभी ऑक्सीजन इवॉल्व होगा ये यहाँ पे दिखाना चाह रहा है ठीक है तो आप इसको लिख लीजिए बना लीजिए फिर हम आगे बात करते हैं बना लीजिए आप इसको तो बेटा यहां पे हम बात करते हैं मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करने वाले हैं तो मैकेनिज्म में आपको पता है कि एक होता है लाइट रिएक्शन एक होता है डार्क रिएक्शन दो फेजेस में होगा सबसे पहले हम बात करें लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज साइट पता है आपको थैलाक्वाइट ऑफ ग्रैना ग्रैना रिएक्शन इसलिए भी बोलते हैं ये ऑक्सीडेटिव फेज है तो क्या क्या इवेंट होता है लाइट रिएक्शन में क्या क्या प्रोसेसेस होंगे देखिए एक तो लाइट रिएक्शन में लाइट का एब्जॉर्बशन होगा कॉमा करके यहां पे हमने लिखा है वाटर का स्प्लिटिंग होगा ऑक्सीजन का रिलीज होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ ए एंड एन एटीपी एंड एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा ये अच्छा याद रखना रेस्पिरेशन में एनएडी NAD, एनएडीएच बनता है फोटोसिंथेसिस में एनएडीपीएच बनता है निकोटीनाइड एडेनियन डाइ न्यूक्लोटाइड निकोटीनामाइड एडेनिनियोटाइड फॉस्फेट और हाइड्रोजन है तो रेड्यूस फॉर्म में है ना हाइड्रोजन नहीं है तो रेड्यूस फॉर्म में नहीं है तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में भी हम बात कर रहे थे तो पिगमेंट में थोड़ा सा हम और बात करते हैं यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या है फोटो सिस्टम क्या है हम आपको बता दें तो द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज जितने भी पिगमेंट्स होते हैं द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज इंटू टू डिस्क्रीट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस दो होता दो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकेंड विद इन फोटो सिस्टम वन एंड टू दो फोटो सिस्टम है पी एस वन एंड पी एस टू और इसमें दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है एल एस सी वन एल एस सी टू तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है फोटो सिस्टम में क्या होता है तो देखिए ईच फोटो सिस्टम इच कम्पोज ऑफ ए रिएक्शन सेंटर उसमें एक रिएक्शन सेंटर होगा जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल होगा क्लोरोफिल ए का जो रिएक्शन का सेंटर का काम करेगा एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर होगा प्लस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को हम एंटीना मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं बाउंड टू प्रोटीन्स जो अपने प्रोटीन से अटैच होंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड ट्रांसफर दिस एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर बाई इंडक्टिव रेजोनेंस एक फिजिकल प्रोसेस है रेजोनेंस वेयर प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन अकर्स दैट इज एब्जॉर्ब ऑफ लाइट क्वांटा एंड रिलीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्वांटम कन्वर्जन यहां पे होगा तो इसका मतलब यह है कि जो फोटो सिस्टम है फोटो सिस्टम में दो चीज़ है एक तो रिएक्शन सेंटर है और दूसरा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें एंटीना मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं जिसमें एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो अपने प्रोटीन से एसोसिएटेड होते हैं ये क्या करेंगे ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर लाइट का जो एनर्जी है ना उसको ट्रांसफर कर देंगे ये रिएक्शन सेंटर के पास तो पहले खुद ही लाइट ले लेंगे ताकि जो इंटेंस लाइट है वो अपने ही ऊपर ही पड़े रिएक्शन सेंटर डायरेक्टली ना पड़े उस पर नहीं तो डैमेज हो जाएगा फिर अपने से एनर्जी वहां तक फिर अपने से एनर्जी रिएक्शन सेंटर के पास भेजेंगे तो एनर्जी तो कम हो जाएगा ना डायरेक्टली वो ले रहा है फिर रिएक्शन सेंटर के पास जा रहा है तो एसेसरी मॉलिक्यूल्स एंटीना मॉलिक्यूल्स के बाद फिर पहुंचेगा रिएक्शन सेंटर पे तो लाइट का एनर्जी कम हो जाएगा ये इंडक्टिव रेजोनेंस है फिर जब क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर लाइट लेगा फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा आप इसको लिख लीजिए फिर हम एक डायग्राम बना के दिखा रहे हैं आपको आप इसको नोट कर लीजिए आप इसको लिख लें तो यहां पे देखिए जो फोटो सिस्टम्स हैं पी एस आपको पता है फोटो सिस्टम दो टाइप का है एक है पी एस वन फोटो सिस्टम वन और एक है पी एस टू फोटो सिस्टम टू तो हर एक फोटो सिस्टम में क्या है पता है हर एक फोटो सिस्टम में देखेंगे एल एस सी वन है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वन इसको एंटीना कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं ना एल एस सी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वन या इसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स वन भी बोल सकते हैं इसके अलावा रिएक्शन सेंटर है रिएक्शन सेंटर है ठीक है रिएक्शन सेंटर है यहां पे और ऐसे ही आप देखिए पी एस टू में क्या है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड है प्लस रिएक्शन सेंटर है रिएक्शन सेंटर यह है और ये जो रिएक्शन सेंटर होता है ये सिंगल मॉलिक्यूल होता है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए यहाँ पे यहाँ भी सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए तो ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बेटे इसमें क्या क्या होगा पता है इसमें होते हैं एसेसरी पिगमेंट्स जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो होंगे प्लस इनके इनसे रिलेटेड जो प्रोटीन्स होंगे प्रोटीन्स वो होंगे प्लस प्रोटीन्स ऐसे यहाँ भी एल टू में भी आप देखेंगे एसेसरी पिगमेंट्स और प्रोटीन्स उनसे रिलेटेड प्रोटीन्स होंगे तो ये जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं ये डायरेक्टली लाइट इस पर नहीं आने देंगे खुद ही लाइट एब्जॉर्व करेंगे बाद में इनके पास पहुंचेगा नहीं तो ये जो रिएक्शन सेंटर है रिएक्शन सेंटर डैमेज हो सकता है इसका फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है ये डैमेज हो सकता है ना तो इसको बचाने के लिए सारा प्रोसेस होता है कि जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट खुद एब्जॉर्व कर लेते हैं आप इसको लिख लीजिए नोट कर लीजिए और ये जो पी एस वन होता है इसका दूसरा नाम है पी सेवन हंड्रेड और इसका नाम है पी छे पी इसका नाम है क्यों ऐसा नाम है पता है ये जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है पी एस वन में ये एब्जॉर्ब लाइट ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम 700 नैनोमीटर वेवलेंथ मतलब यहाँ पे जो क्लोरोफिल ध्यान देना जो पी एस वन है फोटो सिस्टम फर्स्ट है इसमें जो रिएक्शन सेंटर है उसका एब्जॉर्पसन मैक्म सेवन हंड्रेड नैनोमीटर वेवलेंथ का है मतलब ये सात सौ नैनोमीटर वेवलेंथ से ज़्यादा की लाइट को एब्जौर्ण को ऐबजॉर्व नहीं कर सकता है छः सौ नब्बे पंचानबे सात सौ तक कर सकता है सात सौ नैनोमीटर वेवलेंथ से ज़्यादा लाइट ऐब्जॉर्व नहीं कर पाता है इसलिए नाम पड़ गया इसका पी सेवन हंड्रेड इसका एब्जॉर्बसन मैक्सिमा एब्जॉपन मैक्सिमा है सेवन हंड्रेड नैनोमीटर वेब ठीक है और ये जो पी एस टू है इसमें जो क्लोरोफिले रिएक्शन सेंटर है ये एब्जॉर्ब करता है एबजॉर्ब लाइट ऑफ मैक्सिमम सिक्स एटी नैनोमीटर वेब लेंथ इसका एबजॉर्प्सन एबजॉपन मैक्सिमा इसका जो है ना वो 680 नैनोमीटर तक का है मतलब 681 का एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा इसका मैक्सिमम लिमिट 680 तक का है ये 701 को वन नहीं कर पाएगा मैक्सिमम लिमिट इसका 700 है आप इसको नोट कर लीजिए लिख लीजिए बेटा नोट कर लीजिए बना लीजिए डायग्राम तो एल एस सी प्लस रिएक्शन सेंटर एल एस सी में एसेसरी पिगमेंट्स और प्रोटीन्स तो ये सब मिला के बनाते हैं फोटो सिस्टम तो दो फोटो सिस्टम हैं ये आपने पढ़ा है दो फ़ोटो सिस्टम है ये रॉबर्ट इमर्सन एमरसन का जो इन्हेंसमेंट इफेक्ट था उसी से पता चल गया था कि दो फोटो सिस्टम है और आपने ये भी पढ़ा है कि दोनों फ़ोटो सिस्टम जो होते हैं एक साथ काम करते हैं साइमल्टेनियसली काम करते हैं आपने ये भी पढ़ा हुआ है तो तो ये देखिए जरा एनसीआरटी का एक डायग्राम है आपने देखा है तो बेटा है क्या ना ये सब जो हम गोले गोले दिखा रखे हैं ना ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये सब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है और ये है रिएक्शन सेंटर जिसमें क्या होता है सिंगल मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए ये क्लोरोफिल ए है बाकी सब क्या ये? है ये एसेसरी पिगमेंट्स है क्लोरोफिल बी सी डी कैरोटीन जेंथोफिल ये सब एसेसरी पिगमेंट्स है बाकी ये सब जो आपको दिख रहे हैं ना ये सब एसेसरी पिगमेंट्स हैं एसेसरी पिगमेंट्स हैं प्लस इनके साथ इनके प्रोटीन्स भी रहते हैं तो आप देखिए ये सोलर रेडिएशन आया ये सनलाइट आया फोटोन आया एच न्यू एच न्यू हमने लिख दिया ना एच न्यू क्या है फोटोन है लाइट आया ये तो बताइए ये जो फोटोन आया ये सीधे रिएक्शन सेंटर पे नहीं पड़ता है नहीं तो रिएक्शन सेंटर डैमेज हो जाएगा देखिए ये जो लाइट एनर्जी आया ये पहले इसके पास आया एसेसरी पिगमेंट के पास जैसे मान लो ये कैरोटिनॉइड्स है कैरोटिनॉइड्स से फिर ये ये आया क्लोरोफिल बी के पास आया फिर बी से ए के पास गया मतलब ये धीरे धीरे मतलब डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं आएगा ये कैरोटिनॉयड्स फिर बी फिर ए के पास आया और यहां तक पहुँचते पहुंचते तो लाइट का एनर्जी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो आप देखो यहां से यहां से लेकर यहां तक यहां से यहां तक देखेंगे आप तो यहां पे हो रहा है एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी ट्रांसफर मतलब ज्यादा एनर्जी है एनर्जी कम हो रहा है ना एनर्जी कम होता जा रहा है एक से दूसरा दूसरा से तीसरा चौथा पांचवा लेंगे तो पांचवे तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी कम हो जाएगा तो यहां से लेकर यहां तक मतलब कैरोटिन फिर क्लोरोफिल बी फिर ए एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है और जैसे ही क्लोरोफिल ए को लाइट का एनर्जी मिलेगा इससे क्या निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ध्यान देना यहां से फिर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहां से यहां तक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है फिर यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा इलेक्ट्रॉन ये हमने दिखा दिया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो बताइए यहां से यहां तक एनर्जी ट्रांसफर हुआ एनर्जी ज्यादा से कम होता जा रहा है जैसे रिएक्शन सेंटर तक पहुंचेगा एनर्जी कम हो जाएगा और जैसे ही क्लोरोफिल को ल, 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 लाइट का एनर्जी मिलेगा इससे क्या निकलेगा इलेक्ट्रॉन स्टार का लॉ में हमने बताया था तो यह डायग्राम में क्या दिखा रखा है डायग्राम में यह लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस रिएक्शन सेंटर यहां पर दिखा रखा है फोटो सिस्टम फोटो सिस्टम दिखा रखा है और फोटो सिस्टम में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है बेटा और रिएक्शन सेंटर भी आ जाता है दोनों आ जाता है तो याद रखना लाइट कभी सीधे आप देखो ये सीधे लाइट इसके ऊपर नहीं पड़ रहा है यहाँ पे भी पड़ सकता है नहीं सन से सीधे रिएक्शन सेंटर पर नहीं पड़ेगा ये डैमेज हो जाएगा और अगर ये डैमेज हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला है तो लाइट पहले सीधे कैरोटिनोड्स के पास पहुँचेगा फिर क्लोरोफिल बी के पास पहुँचेगा फिर ए के पास तो लाइट का एनर्जी कम होता जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है कम एनर्जी पहुँचा है यहाँ तक जिससे ये डैमेज नहीं हुआ एनर्जी कम है और जैसे इस पर लाइट मिला एनर्जी मिला इसको इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा फिर ई शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू हो जाएगा तो आज का जो क्लास है बेटा आप इसको बना लीजिए आज का जो क्लास है आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं आगे फिर इसके बाद के लाइट रिएक्शन पूरा मैकेनिज्म फिर डार्क रिएक्शन बताएंगे तो ये चैप्टर जो है ना अगले क्लास में कंप्लीट हो जाएगा Thank you very much. Thank you.